और भाई स्कॉर्पियो कंपनी आई और इसमें कमी ना निकले ऐसा हो सकता है क्या महिंद्रा की गाड़ी में? भाई 6.2 की माइलेज भाई यकीन नहीं हो रहा मेरे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूं भाई आप सभी बिल्कुल मजे में होंगे, मैं भी बिल्कुल मजे में हूं। तो भाई टाइम बताऊं तो टाइम हो गया सुबह के 5 बजे में और भाई मैं जा रहा हूं अभी जिम में। और भाई जिम से जाने के बाद ना आज एक बहुत ज़रूरी काम है भाई, महिंद्रा के शोरूम पे जाना है। और भाई क्योंकि भाई लद्दाख का ट्रिप भी बहुत जल्द बनने वाला है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब जा रहे हैं हम। बाकी भाई अभी करते हैं एक बार पहले जिम चलते हैं, ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ मैं। और भाई एक बार मुँह धो लेता हूँ, देखो मुँह बहुत अजीब सा लग रहा है। और फिर चलते हैं जिम में और फिर चलेंगे भाई महिंद्रा के शोरूम पे। तो भाई पूरा दिन सोने के बाद भाई अब हो गया 1:15, टाइम हो गया देख लो 1:15:20। और भाई मैं जा रहा हूँ अभी महिंद्रा के शोरूम पे श्री दुर्गा, जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि कंपनी में जाना है एक बार। तो भाई क्यों जाना है वो भी बता देता हूँ भाई। अपनी स्कॉर्पियो का ना लेफ्ट साइड का मेरा टूट गया है, ORVM जो होता है पीछे देखने का, ये देखो भाई अचानक टूट गया यार अपने आप। मतलब एक होता है कि गाड़ी कुछ कहीं से लगी हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ जो टुकड़ी होती है ना, जो टुकड़ी होती है सिर्फ ये टूटी है, बाकी कवर वगैरह सब कुछ ओके है। भाई कैसे टूट गया ये समझ में नहीं आया। अभी 2-3 दिन पहले मैं छावला जा रहा था ट्रैक पे, तो भाई क्या हुआ, मैं घर से जब गाड़ी निकाली जब तो था भाई लेफ्ट साइड का, मैंने थोड़ी देर बाद ना इंडिकेटर दिया तो भाई मैंने देखा लेफ्ट साइड में, अरे यार टुकड़ी कहाँ गई, मतलब शीशा गायब हो गया अपने आप ही, मैं हद होगी गाड़ी कहीं लगी भी नहीं। तो भाई मैंने कंपनी में फ़ोन किया, मैं भाई ऐसे ऐसे शीशा अवेलेबल है या नहीं है, तो उन्होंने बोला कि शीशा तो अवेलेबल है लेकिन आपकी गाड़ी का शीशा टूटा कैसे। तो मैंने बताया मैं भाई कुछ लगा नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया कि सर कभी 2-4 दिन पहले कभी भी आपकी गाड़ी किसी मतलब गाड़ी आपस में टच हो जाते हैं शीशे, तो चाहे तो वो आया होगा या कहीं भी आपकी गाड़ी मतलब शीशा कहीं किसी चीज़ से टकराया है जिसके कारण जो शीशा जो आगे जो टुकड़ी है ना, मतलब बेसिकली जो टुकड़ी होती है वो ढीली हो गई थी जिसके कारण आपने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी गड्ढों में से चलती है तो वो अपने आप मतलब लूज होके टूट गई गिर गई। तो मगर हो सकता है भाई, पॉसिबल है ये चीज़ हो सकती है। और दूसरा भाई दोपहर को ना 1:15 बजे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना यार, 42-43 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, भुनने वाली गर्मी हो रखी है। तो लेकिन ठीक है यार, मतलब दोपहर को ठीक है, सुबह मेरे को जाना था 10:30 बजे लेकिन मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि सुबह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है भाई। लेफ्ट साइड का शीशा टूटा हुआ है ना तो गाड़ी चलती नहीं है, क्योंकि मेरी आदत है भाई मैं लेफ्ट और राइट के मतलब ये दोनों साइड के शीशे देख के चलाता हूँ, बीच का मिरर मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मतलब इसको बेशक से उतार लो लेकिन ये दो मिरर तो भाई मेरे को चाहिए, नहीं तो मेरे से गाड़ी चलेगी ही नहीं। तो इसीलिए भाई क्योंकि सुबह होता है ऑफिस टाइम और बाइक स्कूटी वाले भाई रॉन्ग साइड चलते हैं तो मकाम का किसी की वो पहले नुकसान हो रखा है, पता चले कि गलत नहीं बोल रहा। तो यही था, बाकी चलते हैं भाई, दोपहर का टाइम है, आराम आराम से पहुंच जाएंगे आधे घंटे में। और जोधराज भाई कई दिन हो गए फ़ोन नहीं उठा रहे, आज जोधराज भाई की थोड़ी सी खिंचाई करते हैं। अरे कैसे जोधराज भाई, यही चीज़ देख लें सारी उम्र, क्या दिखा रही हो ये देख लियो, कट कौन होनी वो देख रहा हूं मैं शॉर्ट्स YouTube के, उल्टी सुल्टी चीजें देख रहा हूं शॉर्ट्स में देख रहा हूं, तुम देख क्या रहे थे? शॉर्ट शॉर्ट नहीं शॉर्ट, हां दिमाग गलत तरीके जा रहा है आजकल। किसकी शरण में हूं मैं? हां शरण में किसकी हूं पता नहीं, मेरा साथ तो छोड़ दिया पता नहीं कहां। अरे रहने दो, सिखाया तो आपने सब कुछ। भाई ये बताओ परसों आप दारू कहाँ पीने लग रहे थे? परसों ना पीने, संडे को थे। हैं? संडे को। सैटरडे को? एरोसिटी। एरोसिटी हाँ। हाँ। अब ये भी बोल दूँ किसके साथ थे? नहीं ये तो नहीं बताना है। नहीं? कभी भाभी देखे वीडियो में पता चले। नले ये क्या कर रहे हैं दोनों? एरोसिटी में था ना, एरोसिटी का ना बार बड़ा अच्छा क्लब है नीचे। रात को देखे ना सर आप 8:30-8 बजे की बात करें। वही थे। काली थार। थार में कौन कौन था? नहीं मैं ही था, दोस्त थे। दोस्त मेल फीमेल में फर्क होता है ना? तो फ्रेंड तो फ्रेंड ही है। क्या तो मेल से फीमेल है तो कुछ भी है, दोस्त तो दोस्त है। अब ये नहीं बताऊंगा ना कोई मेल था फीमेल था, दोस्त कौन सा था? बड़ा आपको पता है वैसे। अरे भाई बहुत तेज आदमी है, मतलब सारी बुरी आदतें मेरे को जोधराज भाई से आदत उन्होंने सिखाया है, सारा अच्छी चीजें सिखाई है उन्होंने। अबे रहने दो। तो भाई गाड़ी में बैठते ही मतलब ये काम है भाई की गाड़ी के अंदर मेरी है, हे भगवान
और भाई ने लाइटर भी रखा हुआ है देखो भाई सबको पता है। ये पता है इनका पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि ये स्मोकिंग करने के बाद में ना इसका यूज करते हैं सेवर। ये भी देख लो भाई साहब, अगर इस इलायची की फ्रेगनेंस आपको आए तो समझ लेना कि ये स्मोकिंग करके आए। अच्छा, अरे भाई क्यों मेरे को बदनाम कर रहे हो? ये सबको पता है कि मैं सब नहीं करता। जब ये खरीदा होगा ना, देखो इसके सबकी कॉस्टिंग मिलाने के बाद में 5 रुपए चेंज आए हैं ये यहाँ रखे हुए 5 रुपीज। अच्छा, ये कॉइन रहा 5 रुपीज का। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। लड़का बिगड़ चुका है, माँ का लाडला बिगड़ गया। माँ का लाडला बिगड़ गया, बिगड़ गया ये, अब ये हाथ में नहीं आने का। तो ये लो भाई शीशा लगा लिया यहाँ पे। भाई कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? गिरे तो नहीं गा ना? नहीं है, बढ़िया तरीके से फिट कर दिया। बोले इसमें कोई चिपकता है क्या? बस ये लोग होते हैं इसके अंदर। अच्छा, लोग होते हैं, लगा दिए। कभी पता चले कि हाथ लग जाए और गिर जाए? नहीं, ऐसे नहीं गिरे, अच्छे तरीके से फिट कर दिया ना। चलो ठीक है भाई। और भाई स्कॉर्पियो कंपनी आई और इसमें कमी ना निकले, ऐसा हो सकता है क्या महिंद्रा की गाड़ी में? तो भाई आया तो था मैं गाड़ी का ग्लास चेंज कराने के लिए, ये वाला जो टूट गया था ये तो लग गया। लेकिन भाई अब जो एक प्रॉब्लम आ रही है ना वो ये आ रही है भाई, बाल थोड़े से बड़े हो रखे हैं, इग्नोर करना क्योंकि हवा चल रही है। भाई प्रॉब्लम अब क्या आ रही है कि एलेक्सा जो चल रही थी ना, एलेक्सा ख़राब हो गई। भाई क्या है यार, मतलब चलती गाड़ी की एलेक्सा बंद हो जाती है, कभी शीशा टूट जाता है, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई दिक्कत। भाई भूल के भी डिटेल मत लेना, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ। अरे देखो भाई, आप लोगों ने एक माइलेज दिखाता हूँ कि स्कॉर्पियो वैन डीजल ऑटोमेटिक क्या माइलेज दे रही है। भाई 6.2 की माइलेज, भाई यकीन नहीं हो रहा मेरे को कि 6.2 की माइलेज होती है क्या यार। इससे बढ़िया मैं पेट्रोल की ले लेता, वो 4 की देती, ज़्यादा फर्क आना था 6 में और 2 में। 5 साल में ज़्यादा चलाता गाड़ी, ये डीजल की 10 साल चलेगी, पेट्रोल की 15 साल चलती, एवरेज सेम है, ये 6.7। चलो खैर बढ़ने लग रही है भाई धीरे धीरे, क्योंकि रीसेट हो गई थी एवरेज, क्योंकि अभी मैंने एलेक्सा का काम करवा रहा था ना, तो एवरेज मतलब सारे तार वगैरह हटा दिए थे तो रीसेट हुई है भाई। लेकिन 6.2 की एवरेज नहीं होती डीजल गाड़ी की, फॉर्चुनर भी नहीं देती यार। 2800 cc की गाड़ी है, 201 bhp, 500 Nm का टॉर्क है, वो भी शायद लगभग 8-9 की तो लोकल में दे देती है, और ये देखो 6.7 दिखा रही है। और भाई ये नोटिफिकेशन आ रखा है कि गाड़ी में ड्राइवर साइड के राइट साइड में, मतलब पीछे वाले टायर में हवा कम है। तो ये लोग गाइस आशीष भाई के पास आ गए हैं, और ये देखो ऑफिस के नाम पे है। भाई ये क्या कर रहे हो? आराम कर रहे हैं। आराम आराम है, काम हो गया 3:30 हो गए। अच्छा, आज तो जल्दी हो गया आपका काम? और क्या, अरे मजाक नहीं कर रहा, सही में ब्लॉग चल रहा है। सच बता, कसम से। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। हाँ तो 3:30 बज गए इसलिए काम पूरा हो गया, ये प्रॉफिट है आज का देख लो। अच्छा, अरे रहने दो, मत दिखाओ किसका है। तो मेरा है क्या? नहीं तेरा नहीं है, तेरा इसका तेरा देखना है क्या? चलो दिखा दो भाई, वो कम है थोड़ा यार। कोई नहीं भाई, ये भी बढ़ेगा धीरे धीरे। और बताओ? बढ़िया भाई, कल तो फॉर्चुनर चला रहे थे, टायर भी फाड़ दिया। अरे टायर कैसे फाड़ दिया? तलवार जैसी उसकी धार थी, तो फॉर्चुनर थोड़ी बड़ी थी, ये साइड टच चला रहा था, इसको लगा निकल जाएगी, वो इसके ऊपर चढ़ा दी पूरी। तो हैवी ड्राइवर ऐसे ही ना बना, इतना बड़ा टायर। अब पूरा स्टोरी डाल रखी थी पवार ने, मैं तो यही देख रहा था, पूरा खुल गया, खुल गया पूरा, मतलब होता छोटा मोटा कट लग गया हो, नहीं पूरा एक काम पूरा फट। हाँ पूरा, बात है भाई, नई गाड़ी के बोले हो बाबू, के बोले हैं पापा वहीं खड़े थे, बोल वो तो अच्छा हुआ कि पापा के सामने हुआ, अगर पीछे से होता तो उनको लगता कि भाई पता नहीं कहां फट लग, तो सामने हुआ था इसलिए दिक्कत हो गई। तो चलो उसको ये, लेकिन अब सबक मिल गया कि वो देख के चलाएगा, कि ये है कि फॉर्चुनर भी गाड़ी ही है। अरे वो उसकी गलती भी नहीं थी यार भाई, उसके पापा आगे खड़े थे, उसके पापा ऐसे झुक के ऐसे कह रहे थे कि रुक जा रुक जा। हाँ। वो उसको फॉर्चुनर से हाथ नहीं दिखा, उसको लगा ले आ ले आ ऐसे। अच्छा। तो उसने चढ़ा दी। हाँ, मतलब गलती से हुआ है। हाँ। तो भाई आशीष भाई का ऑफिस है, पहले रजौरी में था, अब कर लिया गाँव की गाँव में, घर की घर में हो गया अब तो, घर की घर में। तो भाई थार भी मैंने धुलवा दी है, देखो बिल्कुल साफ होंगी भाई, कुछ भी कहो थार ना साफ होने के बाद लगती बड़ी सुंदर है, क्योंकि ब्लैक कलर है ना, ब्लैक कलर पे ग्लोस जो आती है वो मजा आ जाता है। तो भाई अब मैं एक चीज और कह रहा था, आप लोगों को बता देता हूँ स्कॉर्पियो वैन का जो मिरर है वो मेरे को कितने का पड़ा है। वो पड़ा है भाई 850 रुपये का, भाई 840 रुपये का, सिर्फ टुकड़ी पड़ी है, मतलब जो देख रहे हो ये वाली जो टुकड़ी होती है ना, सिर्फ शीशा
भाई वो मेरे को पड़ा है 850 रुपए का। तो समझ जाओ कि अगर आप का पूरा शीशा टूट जाएगा विद कवर वगैरह मोटर वगैरह अगर आपको परचेस करना पड़ेगा तो लगभग भाई 3,500-4,000 रुपए का पड़ जाएगा। इतनी महंगी है स्कॉर्पियो एन, तो मतलब पार्ट काफ़ी यार मेरे को कॉस्टली लगे। मतलब 300-400 की चीज़ आपको 850 रुपए में मिल रही है। मैंने बाहर भी पता किया था, बाहर मेरे को वही लगभग 250-300 रुपए में मिल जाता, लेकिन भाई वो लोकल होता, लोकल चीज़ में मैं डील करता नहीं हूँ कि भाई गाड़ी खुद की चलानी खुद है तो लोकल माल क्यों डलवाएं, सीधी सी बात है। अब एक और बात आता हूँ भाई, एक और बात करता हूँ आप लोगों से। कल परसों में मैंने एक वीडियो डाली थी कि स्कॉर्पियो एन को रैप करा के गलती कर दी डिटेगली ऑटो ने, ये क्या किया आप लोगों ने देखी होगी वीडियो, नहीं देखी तो भाई जाके ज़रूर देखना उस वीडियो को। मैं और वीडियो की नहीं कहता, लेकिन उस वीडियो को आप लोग जाके ज़रूर देखना और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई डिटेगली ऑटो शेख यासिर जी, अगर आपकी सच्चाई मैं सबके सामने लाने लग गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी नो डाउट काम अच्छा होता था, मैं अब भी कह रहा हूँ, मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि काम वहाँ पे अच्छा होता था, सफाई के साथ काम होता था। मतलब रैप जो मेरी स्कॉर्पियो पे चढ़ा था भाई, किसी को ये नहीं पता था कि ये रैप है या पेंट है। मैं अब भी कह रहा हूँ कि सफाई से काम होता था, लेकिन भाई जो प्रोडक्ट जो मटेरियल जो वो यूज़ करते हैं वो अच्छा नहीं है। मेरी जो बात है, मेरा भाई उनसे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, प्यार मोहब्बत वाली बात है। मैं हर इंसान से प्यार मोहब्बत रखता हूँ, किसी से भाई बहस करेगा बैर बनाएगा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बस ये कि भाई जो उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया ना मेरी गाड़ी पे भाई, वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का था। और ऐसा मैंने उस वीडियो में बोला था कि 2-3 मैसेज आए थे मेरे इंस्टाग्राम पे, और भाई वो वीडियो डलने के बाद मेरे पास इंस्टाग्राम पे कम से कम 10 मैसेजेस और आए हैं कि सर आपने बहुत अच्छा किया, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो भाई अगर आप लोग बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस आए हैं। पर वही बात है यार, उनमें उनका नाम अगर मैं लूँगा तो यार थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। चलो नाम हाइड करके मैं डाल दूंगा। अब दूसरा भाई, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने स्कॉर्पियो एन पे भी रैप करवाया था ग्रीन कलर का। रैप नो डाउट अच्छा था, फिनिशिंग थोड़ी सी रैप की कम थी एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो एन। लेकिन अगर क्वालिटी की बात आती है तो भाई क्वालिटी में फिर से मैं बोल रहा हूँ हल्की थी। मतलब थार का पेंट तो नहीं हटा टचवुड, क्योंकि भाई एक महीने के अंदर ही मैंने, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ ही मैंने गाड़ी को चलाई, क्योंकि सब कह रहे थे कि भाई यारी अच्छी नहीं लग रही है, काली काली होती है थार, काले कलर का भाई कोई भी रीस नहीं है खासकर इस थार पे, और स्कॉर्पियो वगैरह जैसी गाड़ी पे तो मतलब ब्लैक वाइट आपके ऊपर है, लेकिन थार तकरीबन सफ़ेद नहीं काली अच्छी लगती है। तो सब ने बोला, तो मैंने लगभग 1-1.5 महीने में उतार दिया था, तो जिसके कारण पेंट तो गाड़ी का नहीं उतर पाया। और भाई ये देख लो कितने मूर्ख आदमी है, मतलब बिल्कुल रास्ता नहीं है लेकिन जाना रॉन्ग साइड से, गधे हैं भाई एक आधे तो बिल्कुल रोड पे गधे, हकीकत में बुरा मत मानना गधे है, हॉर्न नहीं और कुछ नहीं, रॉन्ग साइड से जा रहे हैं भाई कहाँ जाएगा। तो भाई जो बता रहा था डिटेगली ऑटो, भाई प्लीज ऐसी हरकतें मत करो आप, मतलब एक कहते हैं ना खिलवाड़ कर रहे हो किसी के पैसे के साथ। आदमी जाता है वहाँ पे अपनी गाड़ी लेके, भाई हर आदमी अपना कहते हैं ना, एक 5 लाख की गाड़ी है किसी के पास, चाहे 25 की है, चाहे 50 की, चाहे 1 करोड़ की है, वो उसकी मेहनत की है और उसको अच्छे से केयर करने के लिए आपके पास जा रहे हैं लोग कि PPF करा लो, रैप करा लो। और आप लोग ऐसा करोगे तो भाई दिक्कत है ना, मतलब 60-65-70 हज़ार रुपये की आप PPF कर रहे हो तो गलत है भाई। प्लीज़ इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा यार डिटेगली ऑटो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए अपने कस्टमर पे, फीडबैक पे। मैंने आपकी वीडियो बनाई, मेरे को अच्छा लगता रहा आप लोगों का काम, लेकिन अगर मेरे को पता होता कि अगर आपका काम अच्छा है लेकिन अगर आप लोगों का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो भाई मैं एक भी वीडियो नहीं बनाता, हकीकत बता रहा हूँ मैं नहीं बनाता, बिल्कुल भी नहीं बनाता भाई। कोई पेड प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है, कभी आप लोग सोचो कि वो मेरे को पैसा देता, भाई नहीं देता था, 1 रुपया भी नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया, ठीक है। तो भाई बस यही है, और देता भी होगा भाई जब भी, अगर ख़राब काम करेगा तो भाई मैं क्यों प्रमोशन करूँगा, सीधी सी बात है। तो भाई दोनों गाड़ी खड़ी कर दिए घर पे, ये देखो थार भाई साफ़ होने के बाद मज़ा आ जाता है धुलने के बाद बिल्कुल। और ये रही हुई अपनी स्कॉर्पियो वाइट कलर, भाई कमेंट करके बताना कि वाइट में ज़्यादा अच्छी लग रही है ब्लैक में। और भाई आज की वीडियो करता हूँ मैं यहीं पर ही एंड, उम्मीद करता हूँ भाई आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। मिलता हूँ कल फिर से कुछ नया लेके, कुछ बढ़िया लेके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।